हरदम से डर रखा किया है और छत्तीसगढ़ के पास वीरों के पास शस्त्र रहा है। हम चाहेंगे कि शास्त्र भी ले लें ताकि धर्मों रचती रचता धर्म की सही रक्षा करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है और शास्त्र के रूप में साधना पढ़िए। जय श्री राम। जब धर्म पर संकट आता है तो क्षत्रियों के द्वारा हमेशा शस्त्र उठाया जाता है, तो ऐसा समय अगर आए तो पुनः तैयार है हम। अयोध्या के लिए निकल चुका हूँ, अभी चित्तौड़ किले के नज़दीक हूँ, चित्तौड़गढ़ में हूँ। देखिए आप विजय स्तंभ हमारा पूरा किला और सूर्यास्त का समय है, देख सकते हैं आप। कानपुर के लिए रात को 3 बजे ट्रेन मिल चुकी है, 3 बज चुके हैं अभी रात के 3। कानपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये है कुल्हाड़ी, शस्त्र की कुल्हाड़ी। मनकापुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, काफ़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है, अयोध्या नहीं जा रही है। एक पैसेंजर ट्रेन है वो कटरा तक जाएगी, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहती है अयोध्या, तो वहाँ उत्तर पहुँचते हैं कटरा तक। आर्मी लोडेड ट्रक टैंक और जिप्सी कटरा रेलवे स्टेशन। कटरा के लिए ट्रेन आ चुकी है, कटरा अयोध्या के नज़दीक। आप देख सकते हैं कटरा जंक्शन पर पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है और यहाँ से है 6 किलोमीटर बता रहे हैं अयोध्या। चलते हैं अयोध्या। इस कटरा जंक्शन को भी पूरा अयोध्यामय कर दिया है, राम मंदिरमय कर दिया है, आप देख सकते हैं। हेलो भाई, हेलो। ये सरयू नदी है। अच्छा, ये सरयू का तट। पूरी नगरी ही ये तो भक्तिमय है। अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। ये तो अब देखो कहीं भी सेवक का जहाँ ठहरा होगा वहाँ पर रुक जाएंगे। पूरी टुकड़ी यहाँ पर लगी हुई है, सेना के NSD कमांडो यहाँ पर लगे हुए हैं, सब तैनात है यहाँ पर, पूरी मीडिया यहाँ पर लगी हुई है। बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पर, बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पर। तैयारी अभी जोरों शोरों पर है, समय बहुत कम बचा है,
देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर की, और यहाँ पर पीछे पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। क्या क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य, बहुत ही अद्भुत बतन, और चारों तरफ ये रौनक बिखरी हुई है। छोटू इधर देखिए, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे को और गरीब से गरीब परिवार को भी अभी जो है भंडारा और खाना मिल रहा है। ये है अयोध्या, बदला हुआ स्वरूप, बहुत ही शानदार। अब देख सकते हैं बिल्कुल रेत है, उस पर उकेरा गया है बहुत ही शानदार श्री राम की ये प्रतिमा। ये जो नगरी है अयोध्या नगरी, स्वर्णिम आभा बिखेरती हुई, हर तरफ एक अलग ही अंदाज में कुछ बना रखे हैं। कहीं सूर्य, कहीं श्री राम की प्रतिमा, कहीं रेत पर तो कहीं दीवारों पर। श्री हनुमान गढ़ी का ये प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर हनुमान गढ़ी। जय श्री राम। ये हनुमान गढ़ी के अंदर का नजारा है, आप देख रहे हैं। टाइम कितना कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो दिन रात लगे हुए मजदूर और मिस्त्री यहाँ पर काम करते हुए। मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो हम दिखा रहे हैं आपको, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल तैनात और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कार्य। भारत की पूरी मीडिया टीम यहीं पर लगी हुई है, अभी पूरी मीडिया की नज़र यहीं पर, और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। बहुत रोक रोक के बाद भी यहाँ पर पब्लिक जो है वो पहुँच रही है, और ये स्थल आप देखिए, अभी अलर्ट मोड में नहीं है। जैसे ही आदेश मिलेगा अलर्ट मोड में होंगे, तो ये जो जवान है वो स्वयं पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी शक्ति है, जिसने भगवान का वेश धारण कर रखा है उसके को भी चेक किया जा रहा है कि कहीं मान लो थोड़ी सी चूक हो गई तो यहाँ पर हो सकता है कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए पूरी चेकिंग की जा रही है यहाँ पर। चाहे वो भगवान प्रभु श्री राम का वेश में हो, चाहे कृष्ण भगवान के वेश में, तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट में है। पूरा कुछ जांच परख की जा रही है कि हो सकता है कोई पहनावा जिसने बनाया है, हो सकता है उसकी या फिर किसी और ने उस पहनावे में कुछ भी वेशभूषा में कुछ भी छुपा रखा हो तो वो सामने दिख जाए, इसलिए उसको चेक करना जरूरी है अनिवार्य।
आपने देखा काफी सिक्योरिटी के साथ, अगर वॉच है आपके पास तो भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है, मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है। ये काफी सिक्योरिटी जो यहाँ पर है वो इस मंदिर के रखरखाव अपने स्थल के लिए। हाँ एक मिनट सर, आए हैं बात करना चाहते हैं। यही पीछे है मंदिर, निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं है मोबाइल ले जाना। आप देख सकते हैं पीछे पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है, फिर भी आपको दिखाया कुछ दृश्य। बहुत ही फास्ट रूप से कार्य किया जा रहा है, फिर भी कम से कम 6 या 7 साल लगेंगे इसको पूर्ण होने में, मंदिर बनकर तैयार होने में। बहुत ही शानदार तरीके से अयोध्या सजी जा रही है, रंगोली और विभिन्न प्रकार के कलर यहाँ पर। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, अद्भुत यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर सुसज्जित किया जा रहा है। जय जय श्री राम। पूरे पूरे भारत की मीडिया यहाँ पर लगी हुई है, पूरे अयोध्या के अंदर हजारों न्यूज रिपोर्टर, इंपोर्टेंट न्यूज चैनल वाले सारे यहाँ लगे हुए हैं और पूरे अयोध्या के अंदर मिले हुए हैं। रंगोली की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है। चारों तरफ रंगोली और हॉर्स और पब्लिक यहाँ पर पहुंची हुई है। वर्कर लगे हुए हैं अपने कार्य पर। हनुमान गढ़ी का यह स्थल जहाँ पर सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हनुमान गढ़ी प्राचीन इमारत, महल की नुमा। पूरी प्राचीन इमारत बहुत ही सुंदर सुसज्जित। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर ड्यूटी करते हुए। जल की व्यवस्था के लिए पुराने समय में बना हुआ ये कुएनुमा जो नीचे से काफी सुंदर प्रतीत होता है चारों खंभों के रूप में, ये इसके अंदर काफी गहराई में पानी, कुएं से भी गहरा पानी यहाँ पर। बजरंग बली के दर्शन हनुमान गढ़ी के अंदर विराजमान है। जय बजरंग बली। अभी मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर आना किसी को अलाउ नहीं है, वहाँ पर आया हुआ हूँ मैं। पूरी अयोध्या नगरी यहाँ से दिख रही है, बस कोहरा ज़्यादा होने की वजह से हम मुख्य मंदिर का निर्माण सही से नहीं दिखा पाएंगे। वो मुख्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्रेनें जो है वो फीकी दिख रही है, अभी स्पष्ट नहीं दिखेगी क्योंकि धुंध है, फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा।
पूरी नगरी सुसज्जित। अभी बहुत टाइम बाकी है, आज आप डेट देख सकते हैं 16 तारीख शाम का समय है। ये 19 तारीख 20 तारीख तक बहुत ही सुंदर भव्य यहाँ पर चमकती हुई आपको अयोध्या दिखेगी। जय जय श्री राम। यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, किसी को ही नहीं आने दिया गया है। मैं परमिशन लेकर के आया हूँ यहाँ पर, देखिए आप। Thank you.